नमस्कार दोस्तों, टैंकर तेज में एक बार फिर आपसे एक स्वागत है। मैं और तेज मिश्रा और आप यहाँ पे देख रहे हैं टैंकर तेज यूट्यूब हिंदी चैनल। दोस्तों तो आज बात करने वाले हैं यहाँ पे फूड लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अगर मेरे वीडियो को अगर आपने देखा होगा, जो कि पुराने जो वीडियो हैं, तो वहाँ पर मैंने जो है फसाई की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में बताया है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ और बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप कैसे जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उसका जो आपको फसाई नंबर मिलेगा वो अपने प्रोडक्ट पे आप जो है यहाँ पे जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ आप जो अपने प्रोडक्ट को जो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप अभी रन नहीं कर रहे मगर करने वाले हैं फूड का बिजनेस, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप जो है उस फसाई नंबर को आप जो अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट करके उसे जो है सेल करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, क्या होगा प्रोसेस, तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले टेक्निकल रितेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, अगर आप जो है यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है रन करने वाले हैं फूड से रिलेटेड, तो अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से नीचे है, मींस कि अभी तक आपने शुरू नहीं किया है कोई भी बिजनेस, तो यहाँ पे आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है। मगर अगर आप कोई भी बिजनेस यहाँ पर रन करते हैं फूड का और यहाँ पर आप जो है फसाई लाइसेंस जो है यहाँ पर लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से नीचे है तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मगर दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, बस होता क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह अभी गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। अगर आप जो है यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, अगर आपका 12 लाख से ऊपर टर्नओवर है, तो यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट को जो है टैक्स देना होता है फूड का। तो इस वजह से यहाँ पे जो है दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अगर आप कोई भी बिजनेस जो है शुरू करना चाहते हैं। अगर टर्नओवर 12 लाख से नीचे है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करके जो है फसाई का नंबर आप जो है लेके अपने प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यह दोस्तों ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि लाइसेंस में मिलता है, मगर दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि आपको यहाँ पे जो लाइसेंस मिलेगा वो 12 लाख के टर्नओवर होने के बाद आपका यहाँ पे जो है लाइसेंस बनेगा। अभी फिलहाल आपको जो है यहाँ पे वही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप उससे जो है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे प्रिंट कर सकते हैं, वो फसाई नंबर रहेगा और उससे आप कोई भी बिजनेस अपना यहाँ पे रन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसे कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको सिंपल से आप अगर ऑनलाइन यहाँ पे अगर फॉर्म वगैरह भर लेते हैं तो आप फसाई की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। बस सिंपल से अपना अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप फुलफिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे फसाई का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसका फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सही सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ क्लियर, बस एक बार आपको यहाँ पे जो है 100 रुपीज़ देने हैं और 1 साल के लिए आपको ये फसाई रजिस्ट्रेशन का जो है नंबर मिल जाएगा। जैसे ही 1 साल यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है दोबारा से इसे रिन्यूअल कराना होगा। उसका फीस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ करीब 2500 रुपये अभी तक था, अभी मैंने इसे देखा नहीं है, मगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो अगर आपको दिक्कत है कोई भी तो आप कमेंट करिए, तो मैं देख के आपको यहाँ पे बता दूंगा जो भी रिन्यूअल का फीस इस समय है। बाकी आप जो है फॉर्म को फिल करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लेके अपना बिजनेस यहाँ पर रन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों पुराने वीडियो पे आप सभी का यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये था कि सर मैं अगर रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो उसके बाद मैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उसका मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया है। अगर आपको और भी यहाँ पे कोई दिक्कत होती है फसाई से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे लाइक बटन पे लाइक कर सकते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप सभी का हेल्प करता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें ताकि चैनल को यहाँ पे सपोर्ट मिल सके, और आपका कोई भी फ्रेंड यहाँ पे जो है फसाई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उन्हें भी आप जो है इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।